ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे फ्रिक्शन कहाँ पे यूज होगा, अगर देखा जाए मेनली जो आईटीज का जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन का ज़्यादा होता है। जिस समय हम दिए थे उस समय काइनेटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस वैसे रहते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, इसका यूज़ किसी क्वेश्चंस में इस तरह से रहता है। तो हमको उसके लिए इसको पढ़ना है कि कहाँ पे हम लोग का फ्रिक्शन यूज़ होगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो सरफेस लेंगे। अगर हम बोलेंगे कि अगर एक सरफेस है तो एक सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इसके लिए हमको हमेशा वहाँ पे दो दो सरफेस होना चाहिए, या ए या बी होना चाहिए, दोनों सरफेस, और वो हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बोलेंगे अगर ऊपर अगर एरोप्लेन जा रहा है, अगर ऊपर एरोप्लेन जा रहा है और नीचे धरती पे, नीचे अगर हमने हैं तो मेरे और एरोप्लेन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ फ्रिक्शंस वहाँ पे होते हैं, वो बट हम वहाँ पे वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मेनली हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे दो सरफेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दो सरफेस, तो इस दो सरफेस के बीच में मेरा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहता है जो क्या करता है, वो दोनों सरफेस को बांध कर रखता है। वेट ए मिनट, क्या करता है, वो दोनों सरफेस को बांध कर रखता है। अगर हम यहाँ सपोज चार्ज पार्टिकल्स के एग्जांपल लेते हैं, तो हमेशा मेरा क्या दिखेगा, हमेशा मेरा क्या दिखेगा, सपोज ये दोनों मेरा अटैच है, लेकिन क्या दिखेगा, इस सरफेस के बीच में हमेशा मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स ऑलरेडी होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे होंगे ही होंगे, जो मेरा फ्रिक्शन के काम आता है, जो मेरा क्या आता है, फ्रिक्शन का काम आता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखेंगे कि अगर कांटेक्ट फोर्स है किसी भी सरफेस में, एक हम लोग जो एवरीडे लाइफ में होते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं इस तरह से, या अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, या बॉल रोल कर रहा है, या हम क्या बोलते हैं, अगर हम बैट से किसी बॉल को अगर हम लोग मारते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से डिफरेंट तरीका में किस तरह से वहाँ पे यूज होता है फ्रिक्शंस का, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हम हमेशा हम लोग को क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमेशा हम लोग क्या होता है, एप्लीकेबल होता है हमेशा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इस कांटेक्ट फोर्स में न्यूटन लॉ का क्या कहता है कि अगर कोई एक सरफेस है, अगर हम इसको ए फोर्स से अगर हम इसको अपने तरफ ऐसे खींच रहे हैं, अपने तरफ ऐसे खींच रहे हैं, सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन को सपोज वहाँ ट्रेन मशीन का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज ट्रेन को ऐसे दारा सिंह ऐसे खींच रहा है, तो ऐसे खींच रहा है तो उसके अपोजिट में ऐसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। जिधर वेलोसिटी होगा उसका जस्ट अपोजिट हम फ्रिक्शन फोर्स लेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दिखाने का तरीका है। जिधर वेलोसिटी रहेगा उसका जस्ट अपोजिट हम फ्रिक्शन फोर्स लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा, अगर फ्रिक्शन फोर्स सपोज इसके डायरेक्शंस में होते हैं, सपोज अगर इसी के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, तो ये बॉडी कभी रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बॉडी कभी रुकेगा ही नहीं। अगर आप रियल में अगर इसको जूम करके देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरह से सरफेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से मेरा सरफेस होता है, जो क्या होता है इस तरह से आगे अगर बॉडी को खींच रहे हो, तो ये सरफेस मेरा क्या होता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे मेरा फोर्स अगर ज़्यादा होता है, तो ये सरफेस मेरा
नेग्लिजिबल की तरह काम आता है, ये सरफेस कोई यूज नहीं होगा, लेकिन लेकिन यहाँ तो लग रहा है, यहाँ तो एक बैरियर है, यहाँ तो एक बैरियर है, यहाँ तो एक बैरियर है, धीरे 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 कर कर कहीं पे जाकर वो बॉडी रुक जाता है। अगर दोनों तरफ लगता तो बॉडी कभी रुकता ही नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए हमेशा अगर जिधर मोशन मोशन है बॉडी का, उसका जस्ट अपोजिट में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पे, अब मेनली फ्रिक्शन फोर्स क्या सॉलिड के बीच में होता है? नहीं, सॉलिड के बीच में नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड्स के बीच में भी होते हैं, फ्लूइड्स के बीच में भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग सीप लेते हैं, सीप सीप अगर सॉलिड और फ्लूइड लेते हैं तो यहाँ पर भी होता है, फ्लूइड और फ्लूइड लेते हैं वहाँ पर भी होता है। लेकिन बट हम इस चैप्टर में हम बस सॉलिड एंड सॉलिड का बस फ्रिक्शन फोर्स हम सिर्फ पढ़ेंगे, कॉट इट? सिर्फ हम इसका पढ़ेंगे। इसके बाद आपका क्या जाता है, इसके बाद हम एक छोटा सा चीज हम दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर हम बोलें, मेनली इसमें फ्रिक्शन में दो फ्रिक्शन यूज होंगे, एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दो फ्रिक्शन यूज होंगे। मेनली इसमें क्या डिफरेंस है दोनों फ्रिक्शन में, पहले हम वो लिखा देते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लिख लो, तो आप लिख लो प्लीज। जहां भी समझ में नहीं आए या मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, एट इट इज सेम एज एट फीडबैक। ओके सॉरी, लिखा कर फिर हम समझाते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब तो समझ में आता होगा, जस्ट वही का, उसी चीज का बस यूज है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द रिएक्शन, रिएक्शन और रिएक्शन एज ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, टू और मोर ऑब्जेक्ट डेट आर इन मोशन, मोशन विथ इच अदर। इसमें क्या होगा, इसमें मोशंस नहीं होते, ये स्टैटिक की तरह काम होता है, मतलब स्थिर रहता है। किसी बॉडी को अगर इस तरह से अगर हम रख दिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, तो फिर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज हो रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, क्या रिलेशंस है काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक का, क्या रिलेशंस है। आज हम थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेरे पास आज टाइम नहीं है आज, इसलिए आज थोड़ा सा क्लास लेंगे। तो इसमें आज हम जितने बेसिक है वो हम सारे क्लियर कर देंगे। प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, टू और मोर ऑब्जेक्ट दैट नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, ठीक है। फिर सेकेंड, द इक्वेशन काइनेटिक फ्रिक्शन इज एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। एन ये क्या है, एन मेरा नॉर्मल है, आप यहाँ पे बड़ा भी लिख सकते हो,
हम वो लिख ही देते हैं, म्यू के एन। ये म्यू के क्या है? कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एन क्या है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसे अगर इस बॉडी में देखे तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड, तो इसमें किस चीज़ से हम लोग डिफाइन करते हैं? एफ एस इक्वस टू म्यू एस एन। यहाँ पे भी सेम चीज़, थर्ड इसका एग्जांपल ले लो, काइनेटिक है तो, काइनेटिक है तो मूविंग पेंसिल ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। फिर ये क्या हो जाएगा? पेंसिल ऑन द टेबल, पेंसिल ऑन द टेबल। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। चलो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अगर मेरा बॉडी अगर मोशन में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा गोल आकार कहीं होगा। अगर यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे किसी भी क्या बोलते हैं व्हील में अगर हम लोग देखें वहाँ पे, तो व्हील में वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन सेम सेम चीज़ होते हैं। अगर अगर इधर मेरा वेलोसिटी है, तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ एफ लगेगा, ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन आता है। यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास काट है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको, हम कुछ वेलोसिटी से इसको हम आगे कर रहे हैं, तो बॉक्स किधर जा रहा है? पीछे। क्यों पीछे जाएगा? सोचने की बात है ना। कभी ऐसा देखे हो? कभी ऐसा फील किए हो? सपोज एक बस में बस को आप कुछ वेलोसिटी से, आप कुछ उसको एक्सेलरेट करो, कुछ उसको वेलोसिटी दो। अब बस के ऊपर बिना कुछ बांधे हुए, बिना कुछ सपोर्ट को उस डब्बा को वहां पे रख दो, तो आपको क्या फील होगा? आप वहां पे कोना पे बैठ के आप फील करो, ऐसा ना हो कि आप ही गिर जाओ, आपको अच्छे से पकड़ कर रखना है। तो आप वहाँ पे क्या फील करोगे? अगर बस मेरा स्ट्रेट लाइन में, अगर मेरा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको ऐसा फील आएगा कि जो मेरा बॉक्स है वो पीछे की तरफ भाग रहा है, जो मेरा बॉक्स है वो पीछे की तरफ भाग रहा है। मतलब अगर ये ए है और ये बी है, अगर हम बी को कुछ वेलोसिटी से इधर अब हम लोग भेजते हैं, कुछ एक्सेलरेशन इसको देते हैं, तो ए को क्या महसूस होगा? कि ये पीछे जा रहा है। ए क्या होगा? वो डिफिनेटली है कि वो पीछे ही जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता है। कभी आप फील किए हो? कभी अगर कोई बस जा रहा है तो आगे जा ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ? हम आपको अभी जस्ट बताएं कि अगर मेरा वेलोसिटी इधर है, तो इस पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स बी पे किधर लग रहा होगा? इधर। गॉट इट? जब इधर लग रहा होगा तो ए पे किधर लगेगा? अभी हम जस्ट आपको बताएं कि अगर कोई बॉडी अगर किसी भी रखा हुआ है, कुछ एक्सेलरेशन पे रखा हुआ, पहले यहाँ पे रखा हुआ था, जब इसको कुछ वेलोसिटी दिए तो यहाँ पे पहुँच गया, तो इसको रोकने के लिए अगर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रुकेगा ही नहीं, वो चला जाएगा। तो इसका, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? गॉट इट? इस तरह से मेरा फ्रिक्शन फोर्स का, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन दिखाने का मेरा तरीका होता है। और काइनेटिक एनर्जी का आपको हम बता दिए यहाँ पे, एफ के इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू के एन होता है। इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वेट ए मिनट। फिर और अगर हम क्या बताएं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है,
डेफिनेटली लग रहा है। अगर हम यहाँ पे इस सरफेस के बीच में अगर हम देखना चाहते हैं, इस सरफेस के बीच में हम देखना चाहते हैं, फर्स्ट केस क्या होगा? अगर ये मेरा सरफेस थोड़ा स्मूथ है तो म्यू के क्या होगा? सेकेंड केस, अगर थोड़ा सा ये सरफेस मेरा रफ है तो म्यू के क्या होगा? एक दो सेकेंड आपको सोचने के लिए बस। 1 2 3 4 5 डन। फिर देखो यहाँ पे, अगर मेरा वहाँ पे अगर अगर किसी भी सरफेस के बीच में, अगर किसी भी सरफेस के बीच में मेरा क्या है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा स्मूथनेस है, रफनेस नहीं है, तो म्यू के क्या होगा वहाँ पे? तो म्यू के वहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, अगर एफ के का अगर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा? अगर अगर यह स्मूथ है, किसी बॉडी को अगर आप इधर अपनी तरफ इधर कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे स्मूथ है तो ऑटोमेटिक है कि अगर स्मूथ है तो वो ज़्यादा आसानी से पीछे जाएगा, ज़्यादा आसानी से पीछे जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लग रहा है, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, वो कम लग रहा है। जब ऐसे जब कम लगेगा तो नॉर्मल तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेम है, नॉर्मल तो मेरा क्या है, ऑटोमेटिक सेम है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? म्यू के पे डिपेंड करेगा। अगर म्यू के का वैल्यू अगर मेरा स्मॉल है, अगर म्यू के का वैल्यू मेरा स्मॉल है, इट मीन्स व्हाट? वहाँ उस सरफेस में मेरा कुछ स्मूथनेस होगा। अगर म्यू के का अगर वैल्यू मेरा लार्ज है तो वहाँ पे रफनेस होगा। समझ में आया कि नहीं? फील कर पा रहे हो कि नहीं? फिजिक्स को फील कर पा रहे हो कि नहीं? मतलब अगर फिजिक्स अगर सच में अगर पढ़ना है, तो फिर अगर सच में अगर आईटीस क्रैक करना है तो आपको ऐसा फील करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर मेरा बॉडी अगर दोनों बीच में, सही बात है ना, ऐसा क्या दिक्कत है इसमें? देखो, अगर सपोज इसको हम वेलोसिटी से खींचते हैं, अगर यहाँ पे इस सरफेस के बीच में, सपोज ये जो लाल दिख रहा है, इस सरफेस के बीच में अगर यहाँ पे स्मूथनेस है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, स्मूथनेस है, अगर ये स्मूथ है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक मेरा बॉक्स किधर जाएगा? आसानी से पीछे जाएगा। इट मीन्स व्हाट? मेरा म्यूके का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर यहाँ पे रफनेस होता तो बॉडी उतने आसानी से नहीं जा सकता है, इसलिए मेरा म्यूके का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो मेरा म्यूके डिपेंड कर सकता है मेरा एफ के पे, मतलब फ्रिक्शन पे, वहां किस तरह से वहां पे होगा। ठीक है, फिर अगर हम बोले कि अगर कोई एक बॉडी अगर स्लीप कर रहा है, अगर कोई एक बॉडी अगर एक स्लीप कर रहा है, अगर एक बॉडी अगर स्लिप कर रहा है, तो क्या स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से म्यूके पर कुछ आएगा? कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पे, कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे कुछ चेंजेज आएगा? नहीं, वो मेरा डिपेंड नहीं करता उस चीज़ पे। म्यूके जो है मेरा वो डिपेंड नहीं करता है, वो स्पीड ऑफ द, म्यूके मेरा किस पे डिपेंड नहीं करता है? स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी। अगर ये बॉडी अगर स्लाइड होगा तो कभी भी मेरा डिपिक्ट नहीं करेगा कि मेरा म्यूके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज, अगर मेरा सपोज ये सरफेस है, सरफेस है, इस सरफेस में मेरा फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग रहा है, सपोज अगर इधर हम लोग पीछे की तरफ इसको खींच रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन यहां पे होगा वही फ्रिक्शन मेरा यहां पे होगा। मतलब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हैं, इसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में रखे हैं, तो मेरा कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि इस पे जो मेरा एफ वन है, इस पे जो मेरा एफ टू है, वो अलग अलग है, वो हमेशा एक ही होगा। मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, अगर हम बोले कि नहीं मेरा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है इतना इस बॉडी पे, अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको कहीं वहाँ पे रख दिए तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा।
उस बॉडी का वैसा सिस्टम है, अगर वहाँ सरफेस सेम हो जाए, अगर मेरा सरफेस सेम है, सेम चीज़ है, अगर वो बॉडी को अगर हम घुमा के रखें, उल्टा के रखें, मोड़ के रखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर। समझ में आया? ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे लिखा भी देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। हम कोशिश करेंगे आपको नोट्स भी दे देने के लिए, अभी कुछ डिले हो जा रहा है इसलिए वजह से नहीं हो पा रहे हैं। सरफेस आर स्मूथ, इसके बाद आसान होगा ना, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो फिर आप आसानी से पढ़ सकते हो, और हम यहाँ बस एक्सप्लेन कर देंगे, जो ये चीज़ लिखाने में जा रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। सरफेस अगर लार्ज है, सरफेस अगर रफ है, तो मेरा म्यू के इस क्या होगा, लार्ज। फिर यहाँ पे डू नॉट डिपेंड, पहला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग। जब आ जाता है ना, तो स्लाइडिंग में वहाँ पे दूसरा चीज़ आ जाता है, वो अलग चीज़ हो जाता है, वो हम आगे बताएंगे, इसलिए वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर मेरा फ्रिक्शन अगर इस तरह से है, तो जरूरी होगा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रखा हुआ है, तो मेरा फ्रिक्शन सेम होगा। मतलब इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताएं? स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे मोशन में नहीं रहेंगे, वहाँ पे मोशन नहीं होंगे। हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? पेपर अगर टेबल पे है, अगर मोबाइल यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, अगर मेरा कुछ अगर कार मेरा क्या है, कार अगर हिल पे पार्क किया हुआ है, उस जगह पे मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे यूज होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे, जहाँ पे मेरा बॉडी वहाँ पे कुछ मोशंस में रहेंगे, वहाँ पे यूज हो सकता है। जैसे बहुत सारे चीज़ें होता है, हम लोग क्या खेलते हैं, बॉल, सपोज फुटबॉल, फुटबॉल के समय तो कुछ और चीज़ हो जाएगा। मशीन, जब अगर मशीन पार्ट्स अगर हैं, अगर मशीन पार्ट्स हैं वहाँ पे, मशीन अगर चल रहा है, अगर मोशन में है, तो वहाँ पे मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगा। फिर अगर इसको हम लोग ग्राफ की वजह से दिखाना चाहें, अगर इसको हम लोग ग्राफ में अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें, तो हम लोग कैसे इसको हम लोग शो कर सकते हैं? सपोज इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर आपको फ्रिक्शन फोर्स है, इधर छोटा एफ है, इधर बड़ा एफ है, तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन पहले क्या होगा, देखो फोर्स बढ़ रहा है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा स्टैटिक में, क्यों? देखो ये स्टैटिक है, मोशन में नहीं है। यहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इधर भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम में क्या होगा, अगर हम काइनेटिक में अगर हम लोग जाते हैं, तो काइनेटिक एक टाइम में ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कुछ कुछ न्यूटन पे, कुछ फोर्स पे, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, लेकिन सपोज 40 न्यूटन के समय वहाँ पे 40 न्यूटन आसपास में वहाँ पे क्या होगा, मेरा एफ जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सेम रहेगा, मतलब वहाँ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। फिर आज के लिए
फिर हम कल क्वेश्चंस कराएंगे बस। तो सपोज ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ लग रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगते हैं एम जी, इधर क्या लगते हैं, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ एम जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है एन, इधर क्या लग रहा एम जी कॉस थीटा, इधर क्या लग रहा है एफ। तो हम लोग इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एफ इक्वल्स टू क्या हो गया एम जी साइन थीटा, एन इक्वल्स टू क्या हो गया एम जी कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होता है म्यू के एन, तो एफ के क्या है मेरा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू के, एन क्या है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू के का मेरा वैल्यू क्या हो गया, म्यू के का मेरा वैल्यू हो गया एम जी साइन थीटा बाई एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, तो म्यू के का मेरा वैल्यू क्या आ गया टैन थीटा। मतलब क्या हो गया ये चीज़ मेरा क्या बताता है, मतलब म्यू के का मेरा वैल्यू, म्यू के का मेरा वैल्यू थीटा पे भी डिपेंड करेगा। सपोज ये थीटा आपको दे दिया है, सपोज अगर आपको 18 डिग्री दे दिया और बोला कि हाँ म्यू के यहाँ पे कितना होगा, काइनेटिक डायरेक्ट क्वेश्चन म्यू के मेरा क्या होगा, तो म्यू के क्या होगा आप वहाँ से सीधा टैन टैन 18 डिग्री का वैल्यू पुट करो, आप वहाँ से निकाल लो। उसी तरह म्यूएस क्या होगा, म्यूएस फिर उसी तरह से हो जाएगा म्यूएस इक्वल्स टू टैन थीटा, फिर आप वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आज सारे कॉन्सेप्ट हो गए, फिर कल हम लोग और चीज हम लोग जाएंगे, कल हम लोग लिमिटिंग पढ़ेंगे, लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, पढ़ाई करते रहो, बाय।